तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मैं हूँ अंडररेटेड मूवीज एक्सप्लेनर 2.0 और लाया हूँ आप सभी के लिए एक सुपर अपडेट। और ये अपडेट है दी विचर के बारे में, जो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। वो आप चेकआउट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो बात करते हैं विचर की अपडेट में, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि रिलीज डेट कब है आएगी और क्या हालचाल इसके प्रोडक्शन अपडेट्स के बारे में। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो द विचर सीजन 1 सुपर हिट था, पॉपुलर इतना हो गया था भाई गेम ऑफ थ्रोन्स को बीच छोड़ दिया था। तो विचर सीजन 2 के बारे में सबको कन्फ्यूजन है कि रिलीज डेट कब आएगी यार, कब हमें देखने को मिलेगी। तो मैं बता दूँ रिलीज डेट मेरे हिसाब से, मतलब जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़े बड़े बड़े वेबसाइट्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में के अंदाजों से मुझे लग रहा है कि जुलाई से लेके अगस्त 2021 के बीच में रिलीज हो सकते हैं, चांसेस है। पर मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स वाले नहीं चाहेंगे कि, मतलब विचर वाले नहीं चाहेंगे कि ये सीरीज अगस्त में रिलीज हो, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स भी अगस्त में ही रिलीज हो रहा है। तो क्लैश करना नहीं चाहेंगे क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है। तो मेरे ख्याल से जुलाई में हो जाना चाहिए रिलीज, ऐसी मेरी प्रोडक्शन है, देखते क्या होता है। तो अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन अगस्त 17, 2020 को रिज्यूम हो गया था, तो ये अच्छी बात थी क्योंकि दो बार डिले हो चुका था प्रोडक्शन कोविड-19 की वजह से। तो ये मतलब कुछ मेंबर्स थे उनके कास्ट में उनको कोविड पॉजिटिव हुआ था इसलिए, तो ये बहुत बुरी बात थी उनके लिए। पर अगस्त 17 को रिज्यूम हो गया था। तो अगली अपडेट आती है कि द विचर सीजन 2, ये वेब सीरीज मतलब जो ये सीजन 2 होने वाला है वो बुक ऑफ एल्व ब्लड ऑफ एल्व माफ कीजिए, जो एक बुक है ब्लड ऑफ एल्व उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। और सीजन 2 के 8 एपिसोड्स आएंगे और सारे हिंदी में डब हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हिंदी में ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी इसका सीजन 2। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि टाइमलाइन जंबल हुआ क्या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हुआ था सीजन 1 में, क्योंकि बार बार टाइमलाइन जंबल हो रहे थे, पीछे पास्ट में जा रहे थे फिर प्रेजेंट में आ रहे थे। पर इस बार उनके ऑफिशियल क्रिएटर ने खुद स्टेटमेंट देके बोला कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो सीरी थी उसको मिल गई, मतलब गेराल्ट और सीरी मिल गए, अब वो टाइमलाइन कभी जंबल नहीं होगी, अब सीधा प्रेजेंट में ही चलेगी। तो उन्होंने खुद ऐसे बोला है, आप जाके वेबसाइट में देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ सारे और प्रूफ भी है मेरे पास, तो मैं कोई झूठ नहीं फैला रहा हूँ। गाइस अपडेट इतनी ही थी, अगर और मिलती है तो मैं और दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे हटके उन सबके साथ।